मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में घर घर सर्वे कर जोड़े जाए मतदाताओं के नाम। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राहुल फटिंग बड़वानी। 16 अगस्त 2023 2 अगस्त से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, अतः इस दौरान अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम जोड़े जाए। 19 एवं 20 अगस्त को लगने वाले विशेष शिविर में बीएलओ अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम जोड़ने के आवेदन प्राप्त करे। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करे तथा इस कार्य का निरीक्षण बीएलओ सुपरवाइजर करे। पुनरीक्षण अभियान के कार्य में लापरवाही कोई भी अधिकारी कर्मचारी न करे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राहुल फटिंग ने उक्त बातें बुधवार को विधानसभा सेंधवा एवं विधानसभा पानसेमल के बीएलओ के कार्य की समीक्षा करते हुए कही। विधानसभा सेंधवा के बीएलओ की बैठक नगरपालिका सेंधवा में तथा विधानसभा पानसेमल की बैठक शासकीय महाविद्यालय पानसेमल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतवार समग्र की सूची से 18 वर्ष की आयु के मतदाताओं के नाम निकालकर आवेदन पत्र करें। जो मतदाता मजदूरी के लिए अन्यत्र स्थान पर गए हैं उनके परिवार के सदस्यों से जानकारी व दस्तावेज प्राप्त कर उनके भी नाम मतदाता सूची में जोड़े जाए। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सेक्टर अधिकारी भी अपने मतदान केंद्रों का भ्रमण करके मोबाइल कनेक्टिविटी पता करे, साथ ही मतदान केंद्रों की स्थिति का भी आकलन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अगर कहीं पर भवन पुराना है और उसी परिसर में नया भवन बना है तो उस जगह का प्रतिवेदन बनाकर दिया जाए, जिससे कि नए भवन में मतदान केंद्र बनाया जा सके। मतदान केंद्र में रैंप, लाइट, पानी, शौचालय की व्यवस्था भी देखी जाए। बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गहलोत ने सेक्टर पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिला बदर एवं बांडोवा किए गए व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखी जाए। आगामी समय में होने वाले विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था सतत बनाई रखी जाए। सेक्टर पुलिस अधिकारी के भ्रमण के दौरान किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक स्थिति हो तो इसकी जानकारी तत्काल थाना प्रभारी को दे। विधानसभा सेंधवा के स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राहुल फटिंग एवं पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गहलोत ने शासकीय महाविद्यालय सेंधवा में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर आगामी समय में होने वाले विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर वहां पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश भी दिए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोहन कनाश, SDM सेंधवा श्री अभिषेक सराफ, SDM पानसेमल श्री सिसोदिया सहित सेक्टर ऑफिसर, पुलिस सेक्टर ऑफिसर, बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर उपस्थित थे। पानसेमल से यूनिट इंडिया न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। जी देखिए, आगामी विधानसभा निर्वाचनों को देखते हुए साहब और मैं दोनों लगातार अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है कि मतदान केंद्रों का भ्रमण चुनाव के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं उसके संबंध में गाइडें दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो पुलिस सेक्टर अधिकारी और सेक्टर अधिकारी जो प्रशासन की साइड से अपॉइंट किए गए हैं उनको साथ में विधानसभा वाइज कॉल करके और उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। तो आज सेंधवा विधानसभा और पानसेमल विधानसभा में सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर ऑफिसर पुलिस की एक मीटिंग मेरे और कलेक्टर साहब के उपस्थिति में ली गई है। और इसके अलावा आज पानसेमल थाने का निरीक्षण भी मेरे द्वारा किया गया है, साथ ही पानसेमल कस्बे का पूरा भ्रमण किया गया है, जो आगामी गणेश विसर्जन को लेकर जो त्यौहार जो एक वृहद स्तर पर पानसेमल एरिया में मनाया जाता है तो उस संबंध में भी मेरे द्वारा समीक्षा ली गई है और पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया है। सर, जो खेती और पानसेमल में कुछ स्टाफ की कमी है उसको भी पूरा किया जाएगा आने वाले दिनों में? जी डेफिनेटली, देखिए ओवरऑल इन जनरल हम स्टाफ की कमी की समस्या से हर थाने में जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी थाना प्रभारी और SDO से मेरी चर्चा हुई है, कुछ ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हम यहाँ पर पानसेमल में करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का क्षेत्र है और बड़ा कस्बा है तो यहाँ पर पुलिस की स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर लेवल पर होना चाहिए। सर, यातायात को लेकर क्या कहेंगे? आपने आज पैदल भ्रमण किया, कहीं कहीं पर थोड़ा कंजेस्टेड था, उसको लेकर कुछ अलग से व्यवस्था? देखिए, इस बारे में जो मुख्य रोल होता है वो लोकल थाना प्रभारी प्लस जो लोकल बॉडी होती है नगर परिषद यहाँ पर होती है, तो थाना प्रभारी को मेरे द्वारा बताया गया है कि नगर परिषद के साथ एक बार मीटिंग है और इसमें सभी व्यापारी जन, मीडिया बंधु और जो माननीय सिविल समाज के लोग हैं उनको बैठा कर एक बार सर्वसम्मति से फैसला लें
यातायात के संबंध में कोई भी डिसीजन समाज के सभी वर्गों से जब हम उनकी राय ले लेते हैं उसके बाद अमल में लाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। सर, सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण जैसे यहाँ पर तस्करी और इस प्रकार की गतिविधियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं, तो क्या यहाँ पर चौकियों की व्यवस्था विधानसभा चुनाव के दौरान की जाएगी? देखिए, निर्वाचनों के दौर में अंतर्राज्यीय नाके प्रभावी तौर पर लगाए जाते हैं और बहुत जल्द पूरे ज़िले में हम 11 इंटरस्टेट नाके स्टार्ट करने वाले हैं, जिनका मुख्य जोर जो इंटरस्टेट जितने भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियाँ होती हैं उन पर अंकुश लगाना रहेगा। इसके साथ ही जो तस्करी संबंधी आपकी जो बात है इस पर पुलिस लगातार एक्टिव है और विगत 3 माह में हमने बड़ी कार्रवाई इस संबंध में की है, चाहे वो अवैध शराब हो, हथियार हो, जुआ सट्टा हो, इस संबंध में लगातार पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है और आगे भी आने वाले दिनों में करती है। धन्यवाद।